इसलिए ये विज्ञान है। हाँ, इसके दो पार्ट हैं, एक परा एक अपरा। अपरा विज्ञान में कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें संहिता पार्ट है। अपरा विज्ञान जो दिखाई दे रहा है, इस अपरा विज्ञान के ऊपर जो ज्योतिषी साधक होता है, साधक का मतलब साधक, जो शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, मदरा भी नहीं करता, दुष्कर्म भी नहीं करता, गलत काम नहीं करता, वो जिसकी ही वाणी पर सरस्वती विराजमान रहती है, वो साधक। वो भी नहीं जो ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी नहीं, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रमित करते हैं। उसकी इंड्यूशन पावर और उसकी गैस पावर बहुत ज्यादा होती है। वो ये सोचता है कि दो बड़ा दो, इसने इतना लिखा है, इसका मतलब इस व्यक्ति का विजन बहुत बड़ा है, ये बड़ा लिखना चाहता है। और जिसने दो बड़ा दो इतना सा लिखा है जो चश्मे से भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो उसकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर सुकड़ी हुई है। वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि दो बड़ा दो चार मेरा सही है भी कि नहीं। टीचर को ना दिखाई दे, नंबर दे दे, वही ज्यादा बढ़िया है। आपने देखा होगा कि जिनको उत्तर नहीं आता ना, वो ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं कि टीचर मत्था मारता रहता है कि इसको क्या समझ में आऊं, किसने लिखा क्या है। अंत में वो दो तीन चार नंबर उसको दे ही देता है। और जिसकी जिस बच्चे की कुंडली और इंट्यूशन पावर जबरदस्त होती है, उसकी राइटिंग बड़ी जबरदस्त होती है, साफ साफ लिखता है, हाईलाइट करके लिखता है और ये दिखा देता है कि देखो मैं हूं, और उसको सौ सौ मिलते हैं। इसका मतलब वो मनुष्य के काम करने की जो शैली होती है वो ग्रहों से प्रभावित है। जैसा ग्रह ऊपर से सिग्नल मुझे दे रहा है, जैसे सिग्नल्स मेरे ब्रेन में आ रहे हैं, मैं वैसा बोल पा रहा हूं। अगर मेरे सिग्नल वहां से कमजोर हो जाए तो मैं फिर ऐसे करूंगा। कितने बक्ता ऐसे से कांपते रहते हैं, होंठ सूख रहे होते हैं, पीले पड़ जाते हैं, क्यों? उनके सिग्नल क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है, भाषण दे रहे होते हैं और देते देते राहुल गांधी बन जाते हैं, और फिर बेचारे कुछ का कुछ बोल जाते हैं। बोलना है कि आटा कितने रुपए किलो, लेकिन बोल जाते हैं फिर आटा इतने रुपए लीटर। अरे चंद्रमा पीड़ित है क्यों? अब देश का प्रधानमंत्री अगर 10-15 बार रो जाए तो चंद्रमा पीड़ित उसका भी है। क्यों? मोदी जी में उसका लग, क्योंकि उनका मून पीड़ित है, लगन में नीच का है, तो वो जैसे ही इमोशनल बात आती है वो फबक फबक के रोने लग जाते हैं। डेयरिंग कुंडली, जिसकी कुंडली के अंदर ग्रह की गति बड़ी पावरफुल होगी, वो इसी प्रकार से बोलेंगे कि जैसे हमारे अभी पद्मश्री साहब बोल रहे। इसलिए ये रिसर्च का विषय है, ये शोध का विषय है, क्योंकि आपके पास साधन है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से इन चीजों को करा सकते हैं, क्योंकि रिसर्च दे सकते हैं, क्योंकि आपके ये सब चीजें अधीन कर काम करते हैं। हम क्या करेंगे अगर हमें चार रिसर्च भी करनी है तो चार दिन का काम तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब बोलते हैं आप सरकार की भविष्यवाणी किया करो, मगर सरकार से पैसे दिला दिया करो कुछ। अब सरकार की भविष्यवाणी करें, कौन जीतेगा 2024 में क्या होगा? इसलिए ज्योतिष जो है दो प्रकार का विज्ञान है, एक परा और एक अपरा। परा विज्ञान के अंदर हम आइडिया स्ट्रॉन्ग चीज, इसकी कुंडली में 9 ग्रह है, 12 राशि है, 12 भाव है, इसकी फलाने ग्रह की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा है, जुपिटर बड़ा पावरफुल है, शुक्र की दशा है, शुक्र बड़ा पावरफुल है, एट रैंडम इनके जीवन में चेंज आएगा और ये व्यक्ति बहुत बड़ा स्टार बनेगा, बहुत बड़ा नेता बनेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बसंत एक उसकी रिसर्च की आवश्यकता होती है। इसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इसमें वही होगा 2×2=4। बसंत एक वो सूत्र लिख दिए जाए, अगर मैं आज लिख करके चला जाऊं कि सूर्य की महादशा हो, सूर्य 15 डिग्री पर हो, निश्चल हो, 6-8-12 में न हो, शुक्र भाव में हो, ये व्यक्ति देश का राजा बनेगा। बसंत एक उसका कंसेप्शन भी अच्छी जगह पर हुआ हो, गर्भाधान संस्कार किया हो, उसकी लगन कुंडली भी अच्छी निकाली गई हो, तो निश्चित तौर पर जो ज्योतिषी उस
पढ़ेगा वही बच्चा राजा बनेगा। नहीं तो पहले ज्योतिषी ये बोल देते थे कि ये बेटा आपका चक्रवर्ती राजा। राजा पूछते थे कि ऐसा कोई समय बताओ जब चक्रवर्ती राजा पैदा हो। जब दुर्योधन पैदा हुआ था उसकी कुंडली दिखाई थी, विदुर ने कुंडली देखी, कुंडली देख के बोल दिया कि इसको मार दो। बड़ा तगड़ा डिसीजन था, विदुर जैसा महान विद्वान कह रहा है कि इसको मार दो। वन क्यों? कहता ये इसकी कुंडली ये कहती है कि ये पूरे राज परिवार को चौपट करेगा। ये बात दब गई, किसी को पता नहीं थी। लेकिन जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, गांधारी वहां पर सभा में आई और उसने जब ये कहा कि दुर्योधन, महात्मा विदुर ने कहा था तेरे पैदा होती तुझे मारते, लेकिन माँ की ममता ने नहीं मारा। अगर तुझे उस दिन मार देती तो आज ये चीज न देखने को मिलती। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, माननीय आदरणीय पद्मश्री जी, वाइस चांसलर साहब, दुर्भाग्य है कि ज्योतिष को सम्मान नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हर फील्ड में जैसे गलत काम होता है, ज्योतिष में भी होता है। भाई डॉक्टर भी बोल देते हैं कि बच्चा पॉटी कर गया, बच्चा उल्टा है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाख रुपए के लालच के लिए स्त्री का पेट फाड़ देते हैं। हर फील्ड में गलत काम है। इसलिए ज्योतिष बड़ा पवित्र विज्ञान है और इस विज्ञान में शोध की जरूरत है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, कैलकुलेशन के जो ग्रंथ हैं वो, और जो फलित के ग्रंथ हैं वो, उन सब पर अगर शोध अनुसंधान कोई बोर्ड ज्योतिष का बने तो आने वाले समय में मेरा दावा है कि ज्योतिष में जो ज्योतिषी बोल देगा भविष्य में वही होगा। आपके दिल में कोई संशय हो, कुछ जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न आ रहा हो, कुलबुला रहा हो, किसी के भी ध्यान में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं बताने के लिए तैयार हूं। जी सूर्य अपनी एक्सिस पर घूमता है। बैठिए आचार्य जी, आप ही बताइए, वाइस चांसलर बैठे हमारे बीच में, सूर्य घूमता है या सूर्य स्थिर है? पृथ्वी तो घूमती है, पृथ्वी तो दो तरीके से घूमती है। पृथ्वी अपनी एक्सिस में भी घूमती है और सूर्य चार तरफ भी घूमती है। और अगर सूर्य स्थिर होता तो ग्रह गति ना करते उनके चारों तरफ, वो अपनी एक्सिस में भी घूमते। आदरणीय आप फैसला करिए, सूर्य स्थिर है या सूर्य घूमता है अपनी एक्सिस पर? ठीक है, सूर्य अपनी एक्सिस पर घूमता है। बोला जी बिल्कुल ट्रू, सोलर सिस्टम से निकले हुए हैं। तो फिर सूर्य का क्या स्वरूप है? अभी तक तो यही मालूम है कि वो गैसियस पिंड है, वो गैसियस पिंड है जहां के हमेशा ही फीसन हो रहा है और वो निकलता जा रहा है। लेकिन वो सूर्य घूमता है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज लेकिन आप कुछ कहना चाहूंगा। जी सर, आपके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं तो सुनना चाहता हूँ। आपने कहा कि कोई भी रिसर्च का सरकार फंडिंग करे। आप ये देखिए, मैं हूं चाहे कोई बच्चा हो, जब जन्म लिया तो कोई फंड नहीं कर रहा था उसको। सुन लीजिए, जब वो पढ़ रहा था तभी नहीं कोई फंड कर रहा था, पढ़ाई तो सरकार करा रही थी, ठीक है। लेकिन जब उस बच्चे के दिमाग में कुछ नई चीज आती है तो नई चीज के लिए फंड सरकार ऐसे नहीं करती है। पहले तो तुम दे दो हमें कोई एक्सपेरिमेंट करके पूरा डाटा और प्रमाण कि तुम्हारे पास में ऐसी जानकारी है। जब बेसिक जानकारी तुम्हारे पास है तो फिर तुम मेरे पास फंड के लिए अप्लाई करो।
क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग जो करता है बॉडी उसका 5 साल मिलकर भी रहा हूँ। और हम लोग जब उस जमाने में मैं 2007 से 2012 तक था 50 लाख रुपया तक फंड देने का तो वही ऑन द स्पॉट अधिकार था। बहुत सुंदर। लेकिन हम 2 करोड़ तक रिकमेंड कर सकते थे, केवल सेक्रेटरी का दस्तखत होता था, उस पर बाकी नहीं कुछ होता था। क्यों? क्योंकि जब आते थे लोग प्रोजेक्ट लेकर के अपना प्रेजेंटेशन देते थे, कहीं भी अगर कुछ कमी भी रहा तो हम लोग केवल रिजेक्ट नहीं करते थे, उसको बताते थे उनमें ये कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए मेरे जैसे उस टीम में 14 विशेषज्ञ थे, तो तुम इनके पास चले जाओ, भारत सरकार आने जाने का पैसा भी तुमको देगा, इनसे सीखो, सुधार करके फिर हमारे पास आओ। और मैं उदाहरण देता हूँ कि सिक्किम की एक महिला 4th बार में सफलता पाई, लेकिन पाई। हम लोगों का यही सिद्धांत था कि हम क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि तुमको नहीं आता था तुम घर बैठो, नहीं नहीं, सीखने की इच्छा है तो जाओ। मेरा ये कहना है कि अगर कभी फंड की जरूरत है कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, किस तरह के प्रयोगशाला चाहिए, और उसके लिए बेसिक हमने इतना किया है कि अगर मिले तो हम ये कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार में तो काफ़ी फंडिंग घट गया है। मैं यही कह रहा हूँ, कल ही के हिंदू अखबार में पूरे के पूरे का आर्टिकल है, जिसको सब पढ़ लिया हुआ कि घटा है, फिर भी रिसर्च के लिए फंड की व्यवस्था साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से लेके अन्य सब सभी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह के यंग छात्र, आप विद्वान हैं, आप एक शिक्षक के रूप में हैं, किसी छात्र को प्रमोट करके एक ग्रुप ऑफ छात्र भी अगर प्रमोट होते हैं, वो अगर अपने को स्थापित करते हैं, क्योंकि मुझे कहाँ कुछ पता था कि गंगा क्या होती है, गंगा तो हमने कभी देखा भी नहीं था, मैं तो गंगा से 17 किलोमीटर दूर पैदा हुआ था। लेकिन जब आया यूनिवर्सिटी में कुछ ज्ञान प्राप्ति हुआ, पर्यावरण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो लगा कि जल में प्रदूषण भी है, जीव जंतुओं पर खतरा है, और जब ये ऑब्जर्व किया कि भाई गंगा की हमारी डॉल्फिन जो संख्या कम हो रही है, वो डाटा भी नहीं था मेरे पास, इतना ही था कि पहले चलते थे तो बहुत ज़्यादा था, आज कम दिख रहा है। इतना सा दिमाग में लेकर के हमने अपना रिसर्च सीखा। बहुत सुंदर। उस रिसर्च को जब पूरा मेथड सीखे, कोई मेथड नहीं मालूम था, सारे हमारे शिक्षक यही कह रहे थे कि किसी ने आज तक नहीं काम किया है, कोई प्रयोगशाला नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है, करोगे कैसे? मैंने कहा किसी को तो शुरू करना होगा, मैं ही क्यों नहीं शुरू करूँ। और उससे लेकर के मैं सीधे अंधेरे में, जो कहते हैं कि अंधेरे में मैं चल दिया, तो कहीं ना कहीं प्रकाश मिला, कोई मिले गुरु जो कि हमें मेथड सिखाया। फिर जब मेथड पूरा सीख लिए, एक सौभाग्य भी था शायद उस जमाने में भारत सरकार ने आमंत्रित किया कि गंगा के किनारे या गंगा के आसपास रहने वाले जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करें। मेरे विद्यालय में मैं अकेला था, लेकिन मैं सबमिट किया, और जब टीम आई भारत सरकार की, सारे विद्यालय साउथ इंडियन थे, उन लोगों ने जब सवाल करना शुरू किया, 3 घंटा ब्लैक बोर्ड पर हमसे पूछते गए, मैं जवाब देता गया, तो लास्टली एक एक्सपर्ट आकर के बोले कि हम बहुत खुश हैं, हम प्रोजेक्ट आपको देने जा रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1985 तो पैसे का बहुत वैल्यू था, 28 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मुझे दिया गया। तो ये देखिए कि मेरा यही कहना है आपसे भी, आप सभी विद्वत जन से मैं कह रहा हूँ, या यंग बच्चों को कुछ ट्रेन करके उनको ये बताएं कि एक्सपेरिमेंट का विधि क्या होगा, या क्या चाहते हो? बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, सारी चीजें जितना कह रहे हैं सहमत है, कबीरा तुलसीदास को गुलामी राज में जमाने में थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया होगा, आज नहीं अरेस्ट किया जाएगा, आज नहीं किया जा रहा है। और खास करके वर्तमान सरकार हमारी तो इन चीजों को प्रमोट भी कर रही है, अदरवाइज भी मैं कह रहा हूँ ये नहीं प्रमोट करेगी दुनिया के दूसरे देश पैसा दे देंगे, आजकल तो इंटरनेशनल फंडिंग भी है, लेकिन हमें उसको वैज्ञानिक तरीके से जितना बच्चे से बता रहे हैं, विज्ञान है इसमें, मैं इसको कभी कहता नहीं हूँ, जानकारी का अभाव है, उसका भी मैं कहीं बता दिया कि हजारों साल की गुलामी ने हमसे सब छीन लिया है बहुत सारी चीजों को। अब मैं यही का काम आग्रह आप लोगों से बस इतना ही समराइज कर दे रहा हूँ कि आप कुछ बच्चों को जिनमें आपको लगता है कि टैलेंट है, थोड़ा उसको प्रमोट कीजिए, उसको उसके पास होगा जब,
तब वो देगी सरकार, क्योंकि उसको हम बताना पड़ेगा कि हमसे इतना तो है मेरे पास, इतना करना चाहते हैं, मिल जाएगा पैसा। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आप जैसे विद्वान क्वालिफाइड लोगों के संरक्षण में ये चीजें चलती हैं। अभी क्या है, मैंने यहाँ पर अपनी बात रखी, अब मेरी बात को कोई आगे कितना वजन देगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में भी आपको पता है कि विद्वानों में भी एक दूसरे की खींचतान है। अभी एक प्रोग्राम जयपुर में एक यूनिवर्सिटी में हुआ था, अब वहां ऐसे ऐसे ज्योतिषी पढ़ाएंगे वहां पर जिनको खुद ही नहीं पता अपनी कुंडली के बारे में, जो क्या पढ़ाई होता। तो ये एक आप जैसे विद्वत आदमी इंटरव्यू लें, कुछ बोर्ड बने उसके अंदर, फिर ये शोध हो, एक एक करके शोध हो, ये नहीं पूरी कुंडली को एक बार लेकर के बैठे। आप हजार कुंडली वैवाहिक जीवन की लेकर के बैठे, हजार कुंडली मंगाई। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप जैसे विद्वान कवि हमारे विश्वविद्यालय में आकर के आप एक आध घंटे का प्रोग्राम लेक्चर दें, दो घंटे का, फिजिक्स की पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, सभी साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही है, माता वैष्णो देवी नई यूनिवर्सिटी है, 18 साल की यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर भी है, इंजीनियरिंग के लोग भी हैं, मैकेनिकल भी है और फिजिक्स भी है, कोई ना कोई शिक्षक या रिसर्च का क्वालिटी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। तो बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं बहुत यंग टीचर हमारे, जिसके लिए करोड़ों करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, यूपी गवर्नमेंट दे रही है, भारत सरकार भी दे रही है, मेरा यही आग्रह होगा। आपको जब आप सेवा, जब आप बोलेंगे मेरी सेवाएं हाजिर हैं देश के लिए, कोई तो आकर्षित होगा इस विषय पर भी सोचा जाए। तो फिर उसके बाद विश्वविद्यालय के स्तर पर जो भी फंड हमारा है, जो मिनिमम कुछ जरूरत होगा वो तो हम शुरू कर देंगे उसी समय। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे उपराज्यपाल भी जो हैं वो इंजीनियर हैं, बीएचयू से बीटेक एमटेक हैं मनोज सिन्हा जी, वो रिसर्च को भी प्रमोट करने के लिए काफी तैयार रहते हैं हमेशा, मुझे लगता है कि शायद उनके पास में, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ एक बेसिक चीज कुछ हम करके रखें तब तो जाए किसी के पास, कभी हमने किया क्या गया। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सब चीज़ें सूत्र और फॉर्मूले हमारे पास हैं और हम आपके सामने ही रखेंगे। पहले जब आप कन्विंस हो जाएंगे तो फिर राज्यपाल साहब भी कन्विंस होंगे, क्योंकि आप तो उस कड़ी में हैं, आप कड़ी में हैं, क्यों छात्र शिक्षक जो हमारे हैं वो अगर कुछ कर ले, आपके मार्गदर्शन जरूरत पड़ेगा, आपसे फोन से बात कर लेंगे, आपके यहाँ चले जाएंगे लोग, जी जी सीख ले, देखिए उसका चेन रिएक्शन होता है, बढ़ेगा वो रिसर्च। मैं तो एक रिसर्च की बात किया था, मैं तो 20 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट सरकार ने मुझे दिया बिना मांगे हुए भी, बाद में बहुत ये कार्य के लिए करवाना है, खाली हाँ कहीं मैं पैसा दे रहा हूँ। बहुत सुंदर स्थिति अगर आ जाए तो कोई नहीं रोक सकता इस ज्योतिष विज्ञान को, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष के बारे में शक किसी को नहीं है, अज्ञानता इसलिए है कि कहीं इसको पढ़ाया नहीं, ठीक है, कोर्स में नहीं है, चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों के बीच में भी थोड़ा थोड़ा अगर ज्ञान दें तो फिर वो पढ़े भी जब आएगा तो उसमें थोड़ा ज्ञान होगा और फिर सोच में भी पार्ट होंगे, फिर इस देश में जो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रफुल्लित होगी, फलेगा फूलेगा, सब लोग जानेंगे, इसमें किसी को शक नहीं है। लोगों के पास को है, आदमी बच्चा पैदा होता है, जन्म कुंडली बनाने के लोग चले जाते हैं, पंडित जी देखिए इसका आगे का भविष्य क्या है, लेकिन पंडित जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, सच हो जाता है कुछ नहीं होता है तो वहीं पर शक होने लगता है, तो बोले जैसा लेकिन हुआ नहीं। सतपाल जी ये चीज जो है शक पैदा करता है तो फिर लोगों के पास आप पूछे, आज आपका सम्मेलन सफल हुआ, जय, क्योंकि इतने सम्मेलन हमने किए पर ऐसा मजा कहीं नहीं, ये माँ वैष्णो देवी की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद, अब नेक्स्ट पत्ता को बुलाएंगे, धन्यवाद।